उसको। तो आज का शार्ट हो जाता है क्रोमैटिक गेमिंग, नूब लॉगिन 566, सोहन गेमिंग, अनीता पांडे, टेक्नो गेमर्स, फिर रिंकी सिंह, युवराज बॉयलर, सलमान मंसूरी, प्रज्वल गेमिंग, फिर वालिड वी आई, सोनीटा, फिर लाल कृष्ण नायक, माइनक्राफ्ट ट्रैवलर, अटानु पांडे, फिर प्रियांशु यादव, प्रतीक देवलकर, पार्थ नानावर, भारती शर्मा, एफएफ गेमिंग, जय संस्कार, रोहित पंत, हर्ष के, नीता अरुण, फिर मंजू गौतम, कैश्यप गेमिंग, इपिक गेमर नैतिक, टेक्निकल गेमर्स, सुपर सोनिक 5.0, हर्षिक राजपूत, महाकाल कृष्ण ऑल गेमिंग, फिर संतोष, फिर उत्कर्ष और ममून, अजीमुद्दीन, अजमत अली, सुपर गेमर्स, राइडर एक्स, वेरिएशन 18 और ऋषभ राणा। थैंक यू कमेंट करने के लिए, और दीपक कुमार। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के नए एपिसोड में। तो जैसे कि मैंने पिछले बार कहा था कि आज हम चलेंगे अपना मतलब बहुत सारा ट्रेजर हंटिंग के लिए, बहुत सारा हम शिपरैक को एक्सप्लोर करेंगे और ट्रेजर भी ढूंढेंगे। हमारे पास ये एक ट्रेजर का मैप है, देख सकते हो मेरे हाथ में। तो आज यही सब मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और बहुत लोगों को मैंने बताया कि हमारे 3 के होने आए, वैसे आपको पता ही होगा। तो मैं ना सर रॉयल आइलैंड स्टार्ट करूँगा। तो अगर आपको लग रहा हो कि मैं ये वाला सीरीज़ को बंद कर दूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सीरीज़ चालू रहेगी और सर्वाइवल आइलैंड भी चालू रहेगा। तो 3 के करवा दो, बहुत ही कम सब्स बाकी है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक भी कर देना। चलिए फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अरे चालू करने से पहले देख सकते हो ये, अरे यार यहाँ पे चलते हैं। और ये वाला है ना हमारा वेंडिंग ट्रेलर, हमारा पीछा कहीं पे नहीं छोड़ता, ये आ ही जाता है, हम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या दे रहा, तो ये मुझे कुछ भी खास तो नहीं दे रहा, तेरे को मैं नहीं मारता, रहने दे। वैसे भी तू यहाँ पे है ना, मुझे है ना ये पहले देख के आना, शायद से ये वही है। मैं देख के आता हूँ एक्चुअली, तो मुझे वैसे पता नहीं। और कल एक बंदे ने हमको ट्राइडेंट भी दिया था भाई, और एक मिनट देख तो ये वही है क्या, आई थिंक नहीं ये वो नहीं है, ये दूसरा वाला कोई है। तो पहले हम इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हमको एक चेस्ट मिला है। तो इस चेस्ट में एक और ट्रेजर मैप है, शायद से ये वही ट्रेजर मैप हो। तो मैं क्या हटाऊँ यहाँ से, तो यहाँ से ये फ्लिंट हटाते और बुक्स लेते हैं। हाँ बुक्स ले लेते, एक काम करते ग्रेवल्स के बदले हम बुक्स ले लेते, और हो सके तो हम कंपास भी रख ही लेते हैं। तो क्या हटाऊँ इसके जगह, तो ये माइसेलियम को हटा देता हूँ। और मैंने ना पोर्शन पी के रखा है पहले से, मैंने यहीं पर गेम को सेव एंड क्वाइट किया था ना, तो कल वाला पोर्शन अभी भी चल ही रहा है। ओके यहाँ पे है कुछ तो नहीं है, तो एक काम करते पहले हम ऊपर चलते अपने वो आइलैंड पे, और वहाँ पे हम अपना चेस्ट वेस्ट कुछ बना के वहाँ पे सब कुछ सेफ रखते हैं। अब देखना ये कि हमारा है किधर वो आइलैंड। ओके ये रहा, तो नाइट विजन का पोर्शन से ना मुझे सब क्लियर दिख रहा है ना, वही एक अच्छी बात है। और यहाँ पे देख सकते हो आपको वो एक जगह दिख रही होगी, बहुत सारा वहाँ पे वो भरे पड़े मतलब मैग्मा क्रेम जो हमको नीचे खींचेंगे। तो एक काम करते सबसे पहले यहाँ पे मेरे को एंडर चेस्ट लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर से सारे के सारे सामान को निकालने पड़ेंगे। तो ये पहले एक मिनट, यहाँ पे एक भी बेड है, हाँ पेड़ तो है, मैं यहाँ पे वो बना सकता हूँ चेस्ट वेस्ट बनाना हो तो मेरे को। तो यहाँ से मैं ना पहले ये पोशंस निकाल लेता हूँ और इसको रखता हूँ, फिर ट्राइडेंट भी रख ही देता हूँ, ट्राइडेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉटल्स की ज़रूरत नहीं है, फिर क्या क्या ज़रूरत नहीं है, कंपास की भी आई डोंट थिंक की ज़रूरत है, इसको भी रख देते हैं और बहुत कुछ रख देते हैं। सबसे पहले है ना हमको यहाँ पे ये लेना पड़ेगा, और ये भी हमको लगाना है ना सब जगह पे। तो फिर और क्या क्या रख सकते हैं, तो ये ब्लॉक्स सारे के सारे रख देते हैं, बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपना सारा का सारा सामान खाली कर दिया है ना, बस क्या करना है मुझे ना, यहाँ आजू बाजू है ना टॉर्चेस लगा देना है कि कोई मॉब स्पॉन ना हो, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं हम कितने देर रहेंगे, मॉब स्पॉन नहीं होगा तो सही रहेगा। और बेड पे मैंने रिस्पॉन पॉइंट भी अच्छे से मैंने सेट करके रखा है, तो कोई टेंशन नहीं, अगर यहाँ पे कुछ होता भी तो यहीं पे स्पॉन होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम इतने दूर स्पॉन हुए वापस अपने घर पे 8000 ब्लॉक दूर और वहाँ से यहाँ पे। ओके यहाँ पे मेरे को 2 टर्टल भी मिल चुके हैं जिनको मैं ब्रीड करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शीयर्स चाहिए और मेरे पास आयरन तो है ही नहीं। तो चलिए, और मैं यहाँ पे ना कहीं पे तो मैं ढूंढ रहा था, एक मिनट मैं देखता हूँ, यही है ना वो ट्रेजर। ओके मैं यहाँ पे वो ट्रेजर ढूंढ रहा था, तो मैंने ओके यहाँ पे खोद के रखा। तो चलिए आज वो ट्रेजर को पूरा ढूंढ लेते, और सबसे पहले थोड़ा सा खाते हैं और वो ट्रेजर ढूंढते जो भी मैं ढूंढ रहा था। तो ये सारे के सारे ब्लॉक को हटाना पड़ेगा मेरे को। तो वैसे आप देख सकते हो मैंने ये पूरा का पूरा खोद डाला, लेकिन मुझे अभी मिला नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो करेंगे यार, कहीं ना कहीं तो होगा ही है। तो चलो सीधे सीधे हम खोदते चलते हैं, मिलेगा तो खड़ी यार। ओके देख सकते हो यहाँ पे हवा में लटका हुआ, तभी मेरे को मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं इतनी गहराई में फाइंड कर रहा हूँ क्या है। ओके ये खुल नहीं रहा है। ओके हाँ इसके ऊपर है ना सैंड है, इसलिए शायद ये खुल नहीं पा रहा है।
तो मुझे इसके ऊपर जाकर तोड़ना पड़ेगा एक मिनट। तो ये कवल स्टोन जितने भी यहाँ पे बहुत सारे, और हाँ ये दूसरा जो मैप था ना वो भी यही मैप था, मतलब एक जैसा ही मैप है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलो फिर इसको तोड़ते और देखते कि इसके अंदर है क्या आखिर। ओके मिल चुका है, तो चलिए खोल के देखते इसके अंदर क्या है। ओके तो इसके अंदर है हार्ट ऑफ द सी है, और एक आयरन, सॉरी डायमंड है, और कितने 5 आयरन है, समथिंग गोल्ड है, काफ़ी सही चीज़ है। और ये क्यों लूँ मैं बेकार में। और ये हमारा बुक एंड क्विल है, फिर इतने सारे लीड है, एक ये सही है, इससे मैं ना उन सबको है ना बांध के लेकर जा सकता हूँ, वो काऊ वाऊ जितने भी हैं। ओके चलो पहले मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो चलिए ऊपर चढ़ते और यहाँ से भी चढ़ना पड़ेगा। चलो फाइनली मिल चुका है ना, हमको क्या करना है पहले इसको मैं एंडर चेस्ट में रखता हूँ, और फिर हम चलते हैं एक बोट बना के अपने यहाँ पे सफ़र पे चलते हैं। कुछ हमको अंडर वाटर भी डिस्कवर तो करना पड़ेगा ना। तो लीड को रख देते, एक डायमंड रख देते, बहुत ही रेयर है। फिर हार्ट ऑफ द सी, अब मैं एक और कॉन्ड्यूट बना सकता हूँ बहुत ईजीली, और भी मेरे को मिल जाए तो काफ़ी सही। और एक क्वेल रख देते जो भी नाम है इसका, और ये सैंड भी रख ही देते यार, चलो क्या फ़र्क पड़ता है। और एक कोल है उसको भी रख देते, चलो इतना ही है। एक काम करते हैं, अब थोड़े बहुत पेड़ पौधे काटते, ओके नाइट भी हो रही है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे उसको भी हम। तो थोड़े से पेड़ काट के हम बनाते अपना, पहले एक दो टॉर्च यहाँ पे भी लगा देता हूँ। तो अब इसको काट के अभी कुछ बनाते हम और चलते हैं हम यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करने थोड़ा बहुत, और नाइट हो रहा है तो पहले सो लेते हैं। तो ये हम एक बना लेते हैं हमारी बोट, तो बोट ओके ये रही बोट, तो बोट बन चुकी है। अब है ना चाहो तो मैं ये फेंक सकता हूँ ट्रेजर मैप को, लेकिन मैं रहने देता हूँ। तो ये डायरेक्शन में हम चलते हैं, यहाँ पे रखा बोर्ड और ये हमने किया बोर्ड और चलते हैं यहाँ से। तो नीचे यहाँ पे मुझे कुछ तो दिख रहा है, मैं एक नाइट विजन का पोशन पीना चाहिए मेरे को, ऊपर से साफ साफ दिखेगा। तो ये कौन सा है, वाटर ब्रीथिंग का नहीं चाहिए। ओके हमारे पास रेस्पिरेशन 3 है ना आई थिंक, देख लेता हूँ मैं पहले। ओके रेस्पिरेशन 3 है, प्रोटेक्शन 4 है, तो काफ़ी सही है, हम आराम से सर्वाइव कर सकते हैं अच्छे से। ओके नीचे बोट है, अच्छा ये तो वही बोट है जो मेरे को मिली थी। तो है ना मैं ये बोट पर नहीं चलता, वहाँ पर मेरे को रूइन दिख रहा है, तो वो रूइन पर हमें हमको चलना चाहिए। तो वो बड़े वाला रूइन तो एकदम बेकार वाला है, आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कुछ होगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और देखता हूँ, ओके ये क्या आ गया सामने। ओके हमको एक आइस का बायोम मिला है जो काफ़ी सही है। तो चलिए बोट को छोड़ के नीचे चलते हैं हम। तो ओके हमको यहाँ पे जाना था ना, तो चलिए इस यहाँ पे चलते। ओके हमको चेस्ट दिख भी गया है, तो सबसे पहले तो मैं कहाँ गया, चेस्ट यहीं कहीं दिखा था कि ये रहा। तो ये चेस्ट को ओपन करते इसमें एक एमरल्ड है और एक फिशिंग रॉड है जिसमें ये बेकार की चीज़ें लगी जो कि हमको नहीं चाहिए। और उस पर देखता हूँ इस पर है, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि होता तो पता चल जाता। ओके ये बेवकूफ़ है जो मेरे को ट्राइडेंट वाला बंदा है, अरे यार अरे। ओके इसने मार भी दिया हमको, अब बेइज्जती है, अरे यार बेवकूफ़। चलो कोई बात नहीं, जाके वहाँ से लेते हैं, तो यहीं कहीं तो उस वो मेरा है, तो चलिए जाके उसको कलेक्ट करता हूँ मैं फटाफट सारे के सारे मेरे सामान को। तो गाइस मैंने सब कुछ सामान तो कलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले ना हम ये सब पहनते, तो मैंने ध्यान दिया कि उसने मेरे को कैसे मार दिया। मैंने ना सबसे इंपॉर्टेंट चेस्ट प्लेट तो पहनी नहीं थी, मैं इलाइट्रा पहन के बैठा था, इसीलिए उसने मेरे को मतलब अटैक करके ख़त्म कर पाया, नहीं तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं था। तो अब ये काम करते, अभी हम एक ये चेस्ट प्लेट के मतलब टोटम ऑफ एंड टाइम यूज़ करते और ये सारे के सारे साइड में कर देते, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। बो को ले लेते, एरो तो पड़े मेरे पास, ओके पड़ा इसको भी ले लेता हूँ। तो मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो क्या बोलते मैंने है ना चेस्ट प्लेट नहीं पहना था। तो एक काम करता हूँ वापस से नीचे चल के उसको एक मिनट पहले उसको मैं मारूंगा। सबसे पहले ना मैं ये अपने बायोम को भी चेक कर लेता, बहुत ही रेयर बायोम है। ओके यहाँ पे स्लिप हो रही है, तो आई थिंक यहाँ पे हमको वो मिल सकता है पोलर बेयर, अगर मिलता है तो सही है, कोशिश करेंगे उसको भी ले जाने का। और यहाँ पे सैंड वाली बायोम भी और ये हमारी ये वाली बायोम भी है, तो चलिए पानी में गिर गया, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरे को देख के लग तो नहीं रहा है कि पोलर बेयर होगा यहाँ पे, तो एक काम करते मेरे पास सिल्टच वाली पिकैक्स पड़ी है क्या, ओके पड़ी है, चलो सही है। तो इनसे यहाँ से मैं थोड़े से ये लेके जाता हूँ जिससे कि ना मैं मतलब अपने यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का बना सकूँ सैंड से। इनको तोड़ने में काफ़ी मज़ा आता है, कितना एकदम स्पीड में टूटता है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है। तो इसको मैं फटाफट से तोड़ता हूँ, अरे मैं क्राउच क्यों हो गया यार। तो एक स्टैक दो स्टैक भी पूरे हो चुके, तीसरा स्टैक है, और थोड़े से लेकर तीसरा स्टैक को कंप्लीट कर देता हूँ मैं फटाफट। हो गए ओके अब हो चुके 3, ज़्यादा हो चुके, चलो कोई बात नहीं अब नहीं चाहिए मेरे को। तो अब एक काम करते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे पोलर बेयर भी होता है, अगर ये यहाँ का इसका बेबी हुआ तो ये मेरे ऊपर अटैक करेगा,
तो नहीं यहाँ पे इसका बेबी नहीं है इसलिए ये अटैक नहीं करेगा। चलो काफ़ी सही है। और यहाँ पे इग्लू विग्लू तो आई डोंट थिंक इस पर होता होगा। तो चलिए अबे ना यहाँ पे थोड़ा पानी के नीचे अंडर वाटर भी एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो यहाँ पे चल के देखता हूँ कुछ वाटर मतलब ज़मीन के अंदर है कुछ बोट वोट मिल जाए। मेरी नाइट विजन की पोशन एक तो ख़त्म हो गई है ना, मतलब मैं मर गया तो उसका इफेक्ट चला गया। अगर होता तो काफ़ी सही होता। चलो और देखते ओके नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कुछ देखना पड़ेगा। और अगर मैं ना बहुत लोग सोचोगे कि मैं खाना क्यों नहीं खिला रहा उसको क्या बोलते हैं डॉल्फिन को, वो मुझे ट्रेजर के बारे में बताएगी, लेकिन ये वही ट्रेजर के बारे में बताएगी जो है ना मैं फाउंड कर चुका हूँ पहले से ही। तो ओके यहाँ पे मुझे एक बार लैंड करना पड़ेगा। तो हमको दो रेयर बायोम मिली है कि हमारी आइस वाली बायोम और दूसरी हमारी वो मशरूम वाली बायोम। और ऊपर से हमको थोड़ा सा ट्रेजर मिला, एक में हार्ट ऑफ द सी मिल चुका है जिससे कि मैं एक और कॉन्ड्यूट बना सकता हूँ। यहाँ से देखने में तो मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आगे घूमता हूँ, अगर कुछ स्पेशल मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। One eternity later. तो गाइस मैं यहाँ पे बहुत देर से घूम रहा और मुझे कुछ मिला नहीं और चल के जाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो एक इलाइट्रा मतलब इलाइट्रा लाया तो थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। तो ये ओके बहुत दूर तक फैला है ये बायोम। तो ये आइस स्पाइक बायोम नहीं, आइस स्पाइक इससे भी ज़्यादा रेयर बायोम होती है। तो चलिए ओके यहाँ पे इग्लू टाइप कुछ दिख रहा है बट ये है नहीं इग्लू विग्लू कुछ भी। तो और देख लेता हूँ यहाँ वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो, यहाँ पे डेजर्ट ख़त्म हो रहा है। तो चलते हैं अपने घर साइड, शायद ये वाले साइड है अपना घर। तो चलते हैं यहाँ पे। और मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन मुझे सिर्फ एक ही पोलर बेयर मिला जिसको मैं अभी लेके जाने का नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे काउस को ले जाने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड में हो सके तो। और देख सकते ये हमारी बोट, तो इसको ले लूँ नहीं इसको रहने देता हूँ, इलाइट्रा से ही चलते हैं और अपना घर की तरफ क्लियर है। यहाँ पर हमको लैंड करना है और हमको यहाँ पर ट्रेजर मिला, और ट्रेजर मैं सोचा था मिलेगा लेकिन सारे के सारे जितने भी मुझे दो मैप मिले एक्चुअली और दोनों यहीं का बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी मुझे मैप मिले गए सारे के सारे यहीं के मतलब ट्रेजर के बारे में बताएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है, अच्छा नहीं है एक्चुअली क्योंकि हमको ट्रेजर मिलेगा ही नहीं। देखता हूँ एक बार मुझे मिला क्या है। तो मुझे हार्ट ऑफ द सी मिला है, थोड़े से गोल्ड मिले और थोड़ा सा आयरन मिला है। ये एक काम करता हूँ इसको मैं आइस के जगह पर रिप्लेस करता हूँ, तो इसको भी रख देता हूँ। और कुछ रखने लायक तो नहीं है मेरे पास, मुझे और नाइट विजन की पोर्शन लानी चाहिए थी और वाटर ब्लेथिंग की तो है पर कोई ज़रूरत नहीं। ओके नाइट हो रही है क्या? ओके नाइट भी हो रही है। तो अभी मैं उस साइड भी कुछ है यार बट देख लेते कुछ। तो यहाँ पे अगर और कुछ होता है तो ओके वहाँ पे भी मुझे एक रूइन दिख रही है, तो चलिए वो रूइन में ज़्यादा घूम के आते हैं। तो आई थिंक मैंने वो रूइन को लूट लिया है। ओके हाँ ये तो वही है जिसको मैं लूट चुका हूँ पहले ही। ओके यहाँ पे तो ये ड्राउनेड है, इनको अभी मेरे को मानना नहीं है। मैं ओके देख सकते हो मैंने फिर से ना वही गलती की, मैंने ना यहाँ पे मैंने चेस्ट प्लेट नहीं पहना, इलाइट्रा पहन के रखा, इसलिए तो पिछली बार मैं मर गया था इतना जल्दी। तो ज़रा देख रहे क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन फुल लगा है और अगर मैं इसको ना पहनूँ तो मेरा ही बहुत ज़्यादा मतलब लॉस जाता है, पहनने से बहुत फ़ायदा मिलता है। पर मैं कहाँ पे आ चुका हूँ? ओके मैं यहाँ कहीं तो निकला हूँ, ये कौन सा प्लेटफॉर्म? ओके यहाँ पे शिप्स वीप्स है तो छोटे छोटे आइलैंड है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है ना, मैं बता दूँ कि सर्वाइवल आइलैंड दो दिन के अंदर आने वाले हैं हमारे चैनल पर, न्यूज़ स्टार्ट करने वाले, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहना। और यहाँ पे शायद एक रूइन मिल रहा है शायद से, तो ये रूइन में क्या हो सकता है? रूइन में जाने का माइंड करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, तो शायद मैं वहाँ से आया था। तो चलिए फिर से अपने घर पे चलते हैं आज। तो एक्चुअली गाइज मेरा है ना अभी घर जाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत कुछ मिल सकते हैं जो कि मैं आराम से फाइंड करने वाला हूँ ऑफलाइन, और ऑफलाइन फाइंड करके देखने वाला हूँ कि कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ जो मैंने छोड़ दी हो ऐसे में यहाँ पे पता लगाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और भी बहुत कुछ मिल सकता है। इसीलिए तो मैं अगर चला जाऊँगा तो वो सब मैं मतलब मिस कर दूँगा, अगर मैं चला जाता तो ये हार्ट ऑफ द सी मिस कर देता। इसलिए ना नेक्स्ट वीडियो में मतलब मैं ऑफलाइन आज चेक कर लूँगा यहाँ पे जो भी मिलता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे अपने घर पे ये मशरूम काउ को लेके, क्योंकि नेदरवे से जाने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओके तो दोबारा नाइट हो रही है तो दोबारा सो लेते हैं। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, अगर मैं बेड नहीं लाता तो मेरी तो हालत ख़राब होने वाली होती, मॉब से लड़ लड़ के पूरी मतलब नाइट वेस्ट हो जाता, और मशरूम वाले बायोम में कोई मॉब स्पॉन नहीं होते, ये एक अच्छी बात है। तो आज का वीडियो शायद छोटा बना हुआ लेकिन अभी मेरे पास थोड़े बहुत अलग से काम है ना, मेरे को न्यू सर्वाइवल आइलैंड की भी रिकॉर्डिंग करनी है, मैंने कहा कि आने वाली है तो आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो तो बहुत जल्दी आने वाली है। तो इसलिए आज के वीडियो को मतलब वीडियो को इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।